स्टूडेंट वेलकम टू मिसाल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि पेपर में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ था कि स्टूडेंट अभ्यर्थी आप लोग खास करके मॉडल पेपर पर ध्यान दें, चाहे वह टर्म वन का एग्ज़ाम हो चाहे टर्म टू के। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी टर्म वन एंड टर्म टू के पेपर हैं, किस तरह से जैक बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट पेपर, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म वन के पेपर, टर्म वन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में देखेंगे। और याद रखिए, टर्म वन के जितना भी मॉडल पेपर मैं करवाऊँगा, इससे एक भी क्वेश्चन का आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। तो चलिए बिना देर के हम लोग मॉडल पेपर की ओर मूव करते हैं। जैसे कि आपके सामने मॉडल पेपर आ चुका है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर सेट वन। तो 40 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न एक एक अंक होंगे। और सबसे पहले आपके सामने आया होगा क्या, यानी पैसेज, आपके सामने एक पैराग्राफ है, पैसेज उनको पढ़कर क्लिक करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो याद रखिए, इनको पढ़ने के बाद आपके पास ये विकल्प निकल के आ रहे हैं, इनका आंसर आपके पास निकल के आ रहे हैं। विज्ञान की प्रगति में से किसमें सबसे वृद्धि हुई है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। आप पूरा अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ें, पैसेज के पढ़ने के बाद आप याद रखिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे तो फिर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये क्वेश्चन दिक्कतें हो रही है, तो मैं आपको पर्सनली से बताऊँगा। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों होता जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। और याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति का अध्यात्मवाद। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो कैसे मिल सकती है, तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करके। मॉडल पेपर फ्रेंड्स में जितना क्वेश्चन बताया हूँ, चाहे वह टर्म वन का हो या टर्म टू का, उतना करने के बाद आपको मॉडल पेपर करना है, टर्म वन एंड टर्म टू। मॉडल पेपर करने के बाद याद रखिए, जो मैं स्लॉट चला रहा हूँ, याद रखिएगा, आपको 38 मार्क्स अगर नहीं आए एग्ज़ाम देने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ कि सर 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व नहीं कर पाए। याद रखिए, 40 में से आपको 38 क्वेश्चन, याद रखिएगा, आपको हर हाल में मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाया है। तो पूछा गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन को जब हम लोग चलेंगे, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले, हम लोग चलेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रयुक्त पंक्तियों में कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो याद रखिएगा, मुसाफिर को, मुसाफिर के दूसरे भाषा में हम लोग पंथ भी बोल सकते हैं, या भी पंथी, याद रखिएगा, ये भी आपको पर्यायवाची शब्द में पूछे जा सकते हैं। कवि संघर्षों का सामना करने का रास्ता बताता है कैसे, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संघर्षों का मुस्कुरा का सामना करना, यानी संघर्ष जितना भी लाइफ में आ जाए आपको मुस्कुरा कर इन्हें हैंडलिंग करना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द क्या है। जस्ट अभी हम बताएं कि मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द यानी क्या होगा, समानार्थक शब्द पंथी, पंथी का मतलब ही मुसाफिर ही होते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर पार्ट पे। ग्रामर पार्ट में आपसे क्वेश्चन है, और ग्रामर पार्ट में आपसे 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट मेरे वीडियो को देखे होंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ग्रामर पार्ट से रिलेटेड। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, चलना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। तो कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विलंबर श्रेम। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। आलेखिक विद्या है, मैं जितना भी ग्रामर पार्ट में करवाया हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस याद रखिए, आपको करना क्या, अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आलेख एक विद्या है, किनका एक विद्या है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, गद्य लेखन का।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, श्रव्य दृश्य श्रव्य माध्यम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रूपक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संपादकीय यानी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखा जाता है? तो रिपोर्ट याद रखिएगा किनके द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी संपादक यानी रिपोर्टर के द्वारा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ये सभी यानी मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना, लोगों को मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा उपउदंड उत्तंड मार्तंड। देन अगला क्वेश्चन के रूप में हैं, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के लिए एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जनसंचार। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, विश्व की पहली फिल्म क्या है? अगर पूछा जाए कि भारत की पहली फिल्म क्या है तो याद रखिए राजा हरिश्चंद्र। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या कि आपसे पूछा गया है कि विश्व का पहली फिल्म क्या है? तो द राइवल ऑफ ट्रेन। क्या है? द राइवल ऑफ ट्रेन। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फिर से आपके सामने चार क्वेश्चन होंगे, उनसे पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ें उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर करें। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? जितना भी स्टेटमेंट मॉडल पेपर में दिया हुआ है, चाहे वह टर्म वन का हो चाहे टर्म टू का हो, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, उपरोक्त तो पद्यांश किस भाषा में है? तो किस भाषा में होना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, खड़ी बोली। कांपा धोरा पर थर 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 पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। तो याद रखिएगा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा मैं डिफिनेशन दूं उनके बारे में। तो याद रखिएगा जो लिखा है थर थर थर, कोई भी शब्द तीन बार अगर रिपीट हो तो वह होगा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे चर चर चर, मर मर मर, अगर तीन बार रिपीट हो रहे हैं तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होना चाहिए पुनरोक्ति प्रकाश। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी सरोज स्मृति। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देवसेना का गीत शीर्ष कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंद गुप्त। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, कार्नेलिया कौन थी? जो कार्नेलिया है वह कौन थी? तो याद रखिएगा सेल्यूकस की बेटी। कौन थी? सेल्यूकस की बेटी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, मदन महीना किसे कहा गया है? मदन महीना किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनको बिल्कुल सही उत्तर होगा, वसंत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कुछ पैसों के लिए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फिर से आपके सामने एक छोटा सा पैसेज है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्गृत है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संविदिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गांव-गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था? तो याद रखिएगा हरगोबिंद। कौन करते थे? हरगोबिंद। देन ना आगे नाथ ना पीछे पगा का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, किसी कोई जिम्मेदार ना होना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो चलिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए गुलाम। विशेषण का मतलब होता है विशेषता को बताना, जैसे मिठापन अच्छापन ये सब क्या है? विशेषण। याद रखिए कि विशेषण संधि व संज्ञा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो खास करके इन सब में भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 की ओर, 32 में भी एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका आंसर बताना है आपको। गांधी नेहरू और यासिर अरफात शीर्ष पाठ भीषम साहनी की आत्मकथा का एक अंश है, भीषम साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही होगा, आज के अतीत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी?
तो याद रखिएगा भतुआ साग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, भतुआ साग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे, तो किसे पढ़ा करते थे, सी नंबर होगा ए एंड बी रामचरितमानस और रामचंद्रिका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे, तो याद रखिएगा किस नाम से पुकारते थे, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए निस्देह लोग ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही होगा, मसान की मिट्टी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे, प्रेमचंद्र जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो धनपत राय ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, और ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इन सब पे ध्यान दें, जितना भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हैं सरकार यानी चेक बोर्ड की तरफ से एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सुदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ के उपन्यास का अंश है, तो याद रखिएगा रंगभूमि ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए नायक राम का। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सुभागी भैरव से डर कर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी, तो कहाँ छिपकर बैठी थी, तो याद रखिएगा सूरदास की झोपड़ी में। फ्रेंड्स अभी हम लोग मॉडल पेपर नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस किए, देन अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 और जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट मॉडल पेपर नंबर 3। इसी तरह से 5 मॉडल पेपर में देखेंगे हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन, और याद रखिएगा 200 क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी होंगे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो खास करके मॉडल पेपर आप लोग गौर करें, और खास करके मैं जो वीडियो बनाया हूँ आपके लिए ग्रामर पार्ट से, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं मिल नहीं रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो याद रखिएगा इसमें आपको करना क्या है, मिसाइल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको इंग्लिश कोर हिंदी इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना कर रखे हैं, कोई भी स्टूडेंट को अगर देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।